सवाल सबसे पहले आपसे ही है, राज्य सरकार ने एक तो चुनाव देर हो रहा था, उस चुनाव को जल्दी कराने के लिए प्रभाग रचना की घोषणा हुई, लेकिन आप लोगों ने उस पर भी सवाल उठा दिया कि प्रभाग रचना में धांधली हुई है। आखिर कैसे आप कैसे किस आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है? बहुत बड़ी धांधली इस प्रभाग रचने में हुए है। आप बोल रहे हो कि लेट हो रहे और जल्दी कर रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे, बहुत लेट कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात, धांधली इतनी बड़ी हुई है कि ऐरोली मतदार संघ में 19,000 से 25,000 के बीच में पूरे प्रभाग बने हुए हैं। वहाँ से हम वासी आते हैं, वासी की तरफ से हम आगे निकलते हैं सिबिड़ी तक 30,000, 31,000, 29,000 बड़े बड़े प्रभाग बनाए हैं। तो इसमें ही दिख रहा है कि जो 11 ने वार्ड बढ़ गए उसमें तो खाली दिगा में ही 6 वार्ड बढ़ गए। ये कौन सी रचना है? ये रचना इसी बारे में इसीलिए उन्होंने की है कि कैसे किसी भी तरह हमारे कॉर्पोरेटर कैसे ज़्यादा चुनेंगे, हमारे खास खास कॉर्पोरेटर जो है वो कैसे इजी चुनेंगे, वो नज़र में रखते हुए उन्होंने ये सब रचना की है। और ये बहुत गलत रचना है, उसके ऊपर तो ऑब्जेक्शन तो बहुत सारे आया है, आएंगे भी, अभी शुरू होएंगे 14 तारीख से। तो मेरे को लगता नहीं कि ये फ्रीडम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वन साइड इलेक्शन लड़ने का देख रहे हैं। इनके हाथ में आज सत्ता है, सत्ते का दुरुपयोग करके ये सब धांधली कर रहे हैं। और जनता सब जानती है, नागरिक बहुत होशियार है, कितने भी इन्होंने धांधली की फिर भी दादा गणेश नायक साहब, उनकी जो छवि है, अभी हमारे आमदार मंदाताई मात्रे उनकी जो छवि है, जो विकास के विजन में ये लोग लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विकास के विजन वो ला रहे हैं, उससे सब जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक में वो पार्टी है जो नवंबर का विकास करेगी। और किसी भी हालत में ये जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी का पुनः एक बार महापौर बनेगा। आपके ऊपर उन्होंने प्रतिप्रश्न खड़ा किया है कि ये जो कहा जा रहा है पूरा निराधार, ऐसा कोई अर्थ नहीं, अगर ऐसा है तो 25 साल आपके जो नेता थे वो भी सत्ता में, तो क्या उन्होंने ऐसा ही किया क्या? ऐसी धांधली 25 साल में देखे ही नहीं। कई सेपरेट जो कई खास वार्ड है वो वार्ड की संख्या सीमित कर दी, कई खास एरिया है उस वार्ड में नए नगर सेवक के वार्ड बन गए, ऐसी धांधली कभी हुई नहीं है। अगर होती, अगर ऐसी धांधली तो ये लोग चुप बैठते क्या? ये तो बहुत बड़ी धांधली है। अभी इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, अभी इनके खुद के प्रभाग में 27,000 की पॉपुलेशन, इसके इनके बाजू में 31,000, उनके बाजू में 30,000, इनको ही 27,000 की दी हुई है, क्योंकि ये इजी चुन के आए, ये सब मकसद है। इसके लिए ये सब दिख रहा है, नागरिक सब देख रहे हैं, जनता सब देख रही है, और जनता पूरी हुए पूरी अभ्यास के साथ, पूरी स्टडी के साथ इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। सब खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि गणेश, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इससे पहले गणेश नाइक जी ने बहुत बड़ी धांधली की है, एक तरह से इनका पूरा क्लियर इशारा है। दूसरी चीज, विकास को लेकर जो बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि विकास किसने किया है, क्या महागाड़ी सरकार ने किया है? और कहा जा रहा है कि भाई नवंबर के शिल्पकार गणेश नाइक है। एक तरफ तो आपकी पार्टी कहती है कि विकास हमारे नेता ने किया है, और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का दावा है कि सारा का सारा सरकार ने किया और प्रशासन ने किया है। सर, पहले तो बात यह है कि धांधली की जो बात चल रही है, 25 से लेके 30 के बीच में, 19 से लेके 30 के बीच में जितने भी प्रभाग बने हुए हैं, उसी प्रभाग में 8 नए नगर सेवक बन गए। आपको अगर 11 नगर सेवक नए बनाने हैं तो दोनों विभाग में दोनों देना चाहिए ना। फिर वहाँ पे छोटे छोटे प्रभाग बन रहे, वहाँ पे दूसरे नए क्यों बना रहे हो? वहाँ पे भी बनाओ ना, 30 का पूरा 30 का एवरेज बनाओ और 50-50 करो ना। ये धांधली का एक भाग है, उन्होंने की हुई भी है। विकास के मुद्दे के ऊपर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे बहुत सालों से, 15 साल से पालक मंत्री गणेश नाइक साहब है। अगर प्रशासन ये करता है तो आमदार के साथ, आमदार का जो जो ठहराव जाएगा, आमदार का जो जो वहाँ पे उठेगा सवाल, उसके ऊपर ही प्रशासक काम करता है। तो एक तो पहली बात तो हमारे आमदार, दो आमदार है, मंदाताई दूसरी बार है और एक मंदाताई भी तीसरी बार है, यहाँ पे गणेश नायक साहब चौथी पांचवी बार है। तो ये सारा विकास जो हुआ है, अगर प्रदेश से होता है, शासन से होता है, तो इनके दो आमदार को ये बेनिफिट जाता है। आज मंदाताई ने सुपर फैसिलिटीज हॉस्पिटल लाया है, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बड़ा वहाँ पे वास्तु बन रही है, लेबोरेटरी बन रही है, क्या क्या बना रही है। नायक साहब यहाँ पे कितने बड़े बड़े काम किए उन्होंने। तो विकास का अगर पूरा बेनिफिट किसको जाता है तो ये नायक साहब और मंदाताई को जाता है। दूसरी उन्होंने बात की कि प्रकल्प बगस्ते की जो बात उन्होंने निकाली, हाँ। कि अभी तो हमारा तो काम होने जा रहा है, सब जितना भी काम किया शरद पवार ने किया है,
तो शरद पवार साहब ही तो इस महाराष्ट्र के ऊपर राज कर रहे, तो इतने साल क्यों लगे? प्रकल्प ग्रस्तों को इतने साल लगने की जरूरत क्यों फिर, अगर उन्होंने सारा काम किया? तो उन्होंने अटकाने का काम किया, नाइक साहब को अटकाने का काम किया, इसीलिए प्रकल्प ग्रस्त का काम रह गया। ये तो मैं पूरी तरह जान रहा हूँ। इसके लिए सेना का तो रोल उसमें है नहीं, क्योंकि सेना सत्य पे थी नहीं। सत्य पे तो ज्यादातर शरद पवार साहब ही थे। शरद पवार साहब ने एक वक्त तो बोला था बीच में कि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो CM है ना, उसके हाथ को लकवा मारा है, वो सही नहीं करता है। तो पालक मंत्री क्या करेंगे? गणेश नाइक साहब भी तन आ गए थे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में उन्होंने कहा था। हाँ, तो ये सब लकवा मारा है। मतलब इस महाराष्ट्र में ये नवंबर के प्रकल्प ग्रस्त के ऊपर अन्याय करने वाले कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ये दो पार्टियां, ये दो पार्टी ने उसके ऊपर अन्याय किया है। या के पारदर्शक तरह से पूरे इसके साथ गणेश नाइक साहब लगे हुए थे, लेकिन अगर जो CM रहता है, जो मेन आदमी रहता है, उसके हाथ को अगर लकवा मारता है तो सहन कौन करेगा? लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।